आपको शायद आश्चर्य होगा कि आपका जीवन इतना बेहतर हो सकता है अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा अनुकूल कर लें। और मुझे पता चलता है कि कितने सारे गलत स्वभाव हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं और कितने सारे सही वाले हैं जिनकी हमें जरूरत है। कि हमें अपने स्वभाव को अनुकूल बनाना है प्रतिदिन। आपको पता है यह आसान है। उदाहरण के लिए निराश हो जाना है ना, तो थोड़ा सा मुंह बनाना, थोड़ी सी बकबक करना, जो आपके पास है उससे सच में ज्यादा संतुष्ट नहीं हो, सोचते हो कि आपको और चाहिए। हाँ, तो मैं आपके स्वभाव को अनुकूल बनाने में मदद करूंगी। अगर आप मुंह बनाकर बैठे हो, शायद आज रात आपको आसानी से नींद नहीं आ रही है। याद रखना कि बिना घर का परिवार है, जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। अगर आप अपने आप को ट्रैफिक में फंसा पाओगे तो हताश मत होना। इस दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। अगर आप काम पर परेशान हो तो कितने लोगों के पास महीने भर काम नहीं होता। अगर आप एक बुरे संबंध से हताश हो तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे पता नहीं है कि प्यार करना या प्यार किए जाना क्या है। अगर आपको दुख होता है कि आपके बॉस ने आपकी 4 दिन काम करने की और 3 दिन वीकेंड पाने की अर्जी ठुकरा दी, तो उस औरत के बारे में सोचो जो इतनी मुश्किल में कि 12 घंटे काम करती है और सिर्फ कुछ पैसे के लिए पूरी रात भी काम करती है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए किसी भी सहायता से 1 मील की दूरी पर, तो उस अपाहिज के बारे में सोचो जो चल नहीं सकता। अगर आपको वो पार्किंग की जगह नहीं मिलती जो आपको चाहिए और इस सम्मेलन में आने से पहले आपको थोड़ा चलना पड़े तो आप शिकायत करने लगते हैं। स्वभाव के अनुकूल बनाने का समय आ गया है। अगर आपको आईने में एक सफेद बाल नजर आता है तो आप उस पर कैंसर मरीज के बारे में सोचो जो कीमियोथेरेपी में जूझ रहा है। अगर आपको निराशा होती है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या करना है आपको, तो धन्यवाद दो। बहुत सारे हैं जो उतने देर तक जिंदा भी नहीं रहते। सोचो कि उनके जीवन में क्या करना है। अगर आप पीड़ित हैं किसी और के कड़वाहट, बेपरवाही, छोटेपन या शंका से, याद रखो और बुरा हो सकता है, आप वो व्यक्ति हो सकते हो। हर तरह के स्वभाव होते हैं, सकारात्मक स्वभाव, नकारात्मक स्वभाव, संतुष्ट, असंतुष्ट, दीन, घमंडी, अभिमानी, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, धन्यवाद देने वाला, धन्यवाद न देने वाला, हर अहम, दिल माफ न करने वाला, खुद पर तरस खाने वाला, एक सूची बढ़ती ही चली जाती है। पर अगर अपने स्वभाव को उस तरह रखें जिस तरह यीशु ने अपने स्वभाव को रखा था और हमारे उदाहरण होने चाहिए, हर दिन में स्वभाव में भी फिलिप्पियों 2 कहता है यही स्वभाव और दीन मन तेरे में हो जो मसीह यीशु में था, उन्हें अपना उदाहरण बनने दो दीनता और हर तरह के स्वभाव में। मैं आज आपको बता रही हूं कि अगर आप प्रतिदिन अपने स्वभाव के अनुकूल बनते हो तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप जीवन का मजा ले सकते हो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी यहां पर आपसे। क्या आपकी समस्या सच में आपकी है या आपकी समस्या के प्रति आपका जो स्वभाव है वो आपकी समस्या है? एक और बार, क्या आपका स्वभाव सच में आपकी समस्या है? मेरा मतलब, क्या आपकी समस्या सच में आपकी समस्या है या आपकी समस्या के प्रति आपका जो स्वभाव है वो आपकी समस्या है? यही समस्या है। आपको पता नहीं है, दुनिया में लोग हैं जिन्हें वही समस्या है जो आपको है, और फिर भी वो आपसे ज्यादा खुश है। और ये समस्या है समस्या के बारे में ज्यादा सोचना जो आपको परेशान करता है। एक निर्णय ले लेते हैं। आपको पता है आज ये संदेश मुश्किल नहीं है, इसके बारे में कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर आप इसे आज समझ लेते हैं, मैं मानती हूं कि आप में से कई जो दुखी और शांत नहीं है और अपने जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अपने स्वभाव को ठीक से रखें परमेश्वर की इच्छा द्वारा, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में क्या होता है। अपना नजरिया बदलो, आप अपना जीवन बदल सकते हो। आपका स्वभाव है आपकी सोच वाला जीवन अंदर से बाहर किया गया। जिस तरह आप सोचने का निर्णय लेते हो, आपका स्वभाव सब पर असर करता है, आप पर असर करता है, आपके आसपास लोगों पर असर होता है, ये खासकर आपके आकार पर असर करता है, आपके चेहरे पर भी। ये जानने के लिए देर नहीं लगती कि ये व्यक्ति द्वारा बुरा स्वभाव है। एक हवाई जहाज पर एक यंत्र है जिसे एल्टीट्यूड इंडिकेटर कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एल्टीट्यूड इंडिकेटर होगा, पर ये एटीट्यूड इंडिकेटर कहते हैं। ये बताता है कि जहाज क्षितिज के साथ
किस स्थान पर है। जब जहाज ऊपर जा रहा है तो उसका एल्टीट्यूड नोज हाई होता है, क्योंकि हवाई जहाज का नाक क्षितिज की ऊपर की तरफ होता है। जब हवाई जहाज नीचे आ रहा होता है तो उसका एल्टीट्यूड नोज डाउन कहलाता है, क्योंकि जहाज का नाक क्षितिज के नीचे है। अब ये मानकर कि क्षितिज औसतम का प्रतीक है, अगर हमारा नोज हाई एटीट्यूड है, हमारा जीवन औसतम से ऊपर होगा। अगर हमारा नोज डाउन एटीट्यूड है तो हमारा जीवन औसतम से नीचे होगा। किस तरह हम जीवन चाहते हैं? हाँ जॉयस, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और मुझे एक अच्छा जीवन दे। तो क्या आप तैयार हैं हर रोज अपने मन को नया करने के लिए और अपने स्वभाव को नया करने के लिए? हर सुबह थोड़ा सा समय निकालो परमेश्वर के साथ, अपने समय अपने काम के बारे में सोचो। क्या मेरे जीवन में कोई क्षेत्र है परमेश्वर जहां मुझे स्वभाव में अनुकूलता चाहिए? जब बाद में लोग आपसे कहे आज आप कहाँ थे, आप कह सकते थे मैं स्वभाव को अनुकूल बनाने में व्यस्त था और हाँ मुझे उसकी जरूरत थी। किसी का भी स्वभाव बदल सकता है अगर वो चाहे। इफिसियों 4:23, और हमेशा नए बनते चले जाओ और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमेशा एक नया ताजा मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखो। अब पीछे चलकर वचन 22 को देखते हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। वो कह रहा है उस पुराने आदमी को हटा दो, पुराने जीवन को हटा दो, उस तरह व्यवहार मत करो जैसा तुम करते हो। अब वचन 24 पर चलते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो वचन 22 कहता है उस पुराने आदमी का व्यवहार बंद करो, वचन 24 कहता है और उस नए जीव की तरह व्यवहार करना शुरू करो जो तुम हो। पर वचन 23 एक पुल की तरह है, पुराने आदमी के व्यवहार से नए आदमी के व्यवहार के बीच। वचन 23 को फिर से देखते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, एक ताजा मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखो। आपको पता है जीवन में आपका स्वभाव है ना कि आपका हुनर जो आपकी कामयाबी के स्तर को निश्चित करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास दूसरों की तरह उपहार नहीं है, शायद काम पर किसी और की तरह आप गुणी नहीं है। और शैतान चाहेगा कि आप सोचे हाँ तो तुम्हें कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला तो तुम्हें अभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, या आपको पता है तुम उनकी तरह स्मार्ट नहीं हो तो ये नहीं होगा। पर मैं आपको एक राज बताती हूँ, अगर तुम कंपनी में किसी और से भी ज्यादा बेहतर स्वभाव रखते हो तो प्रमोशन जरूर मिलेगा। मैं उसके साथ काम करना पसंद करूंगी जिसका स्वभाव बेहतरीन हो, और शायद ये पूरे डिब्बे में सबसे तेज औजार ना हो। उसके लिए जिसके पास सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो और वो तो गोल गोल घूम सकते हैं सबके इर्द गिर्द और 25 अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पर उनके पास एक गंदा सा घमंड भरा अभिमानी में सबसे बेहतर हूं वाला स्वभाव। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह पवित्र आत्मा आपके साथ मिल जाएगी अगर आप सिर्फ एक अच्छा स्वभाव रखे। मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहूंगी, दीन स्वभाव वाले के साथ, एक धन्यवाद देने वाला स्वभाव, एक जिम्मेदार स्वभाव। स्वभाव की जांच कर लो। अगर आप जीवन के प्रति अपने स्वभाव का वर्णन करोगे तो आप कौन सा गाना चुनोगे जब आप सुबह उठते हो? हे दुनिया चले जाओ चले जाओ, बारिश की बूंदें गिर रही हैं मेरे सिर पर, मैं अपने तरीके से करूंगा करूंगा। ओ कितनी खूबसूरत सुबह है, ओ कितनी खूबसूरत सुबह है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कई साल पहले और देव से शादी से पहले परमेश्वर को मेरे में बहुत सारे काम करने के मौके मिले। मैं भी एक शांत सीधी और बुरे स्वभाव वाली औरत, देव दूसरी तरफ खुश और सकारात्मक थे और वही है। आपको पता है उसे पसंद है, वो उठते हैं और वो गाने लगते हैं और मैं उन्हें सच में चुप कराने के लिए कहती हूँ, चलो अब बस चुप भी हो जाओ। क्या आपको गाना होता है सुबह बिस्तर से निकलने के बाद, मैं मेरी समस्याओं के बारे में सोचना चाहती थी और जो सबने मेरे साथ किया था
उन्हें सीधा करने के लिए मैं क्या करने वाली थी। और ये मजाक लगता था, पर दुख की बात यह है कि ये सच है, मुझे ये सुनना नहीं था। हाँ, आपको पता है क्या, मैं सोचती हूं परमेश्वर आप में से कुछ को वही पुराना गाते सुन तंग आ गए हैं। और भजन संहिता में कई जगह कहा गया है परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। और मैंने आपके लिए नया गाना लिखा है, देखो अगर इसे गाना सीख सकते हो तो। न चाहे मेरे रास्ते में जो भी आता है, मेरा दिन अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, मुझे तनख्वाह में बढ़त जरूर मिलेगी। ओ, मैं बताने वाली हूं कि आराधना करने वाली टीमें मेरे पीछे आने वाली हैं अपना मुख्य गायक बनाने के लिए। आपको बताया, दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है। मेरा मतलब सच, जब यहां तक बात आ जाती है तो चाहे आप खुशी खरीद रहे हो या खुशी में अपने आप को बढ़ा रहे हो, खुशी में शादी कर रहे हो, सच हम सब बस खुश रहना चाहते हैं। मेरा मतलब, क्या यहां यही तो वो अंतिम चीज है जो आपको अपने जीवन में चाहिए? पर जो गलती हम करते हैं वो है कि हम यहां तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। आपको पता है कि सराब क्या होता है? यह है कि जब आप रेगिस्तान में हो और आपको प्यास लगी और सूरज चमक रहा है, एक तरीके से रेगिस्तान के ऊपर एक परछाई डाल रहा है, और ये सच में ऐसा लगता है जैसे कि पीने का एक तालाब है। और मुझे यकीन है कि आपने वो रेगिस्तान वाली फिल्में देखी हैं जहां पर लोग प्यास से मरने वाले हैं, वो बस उसमें डुबकी लगा लेते हैं जिसे वो पानी का तालाब समझते हैं, और रेत में रेंग रहे होते हैं। और ये कितनी निराशा है। हाँ, मैं भी शराबों के पीछे यही जीवन जी रही थी। हाँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता मैं खुश होती, और फिर इससे कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बस, कई साल पहले जब मैं काम कर रही थी, मेरी एक ऑफिस में नौकरी थी, अगर मुझे काम नहीं करना पड़ता मैं खुश होती। और फिर देव ने कहा, हाँ तो तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? तो फिर मैंने सोचा, हाँ अगर मैं इस घर के बाहर कभी कभार निकल सकती तो मैं खुश होती। सेवकाई बढ़ने लगती, जब मैं सेवकाई में आ गई तो मैं खुश होती। मैं सच में आपसे कह सकती हूं, और मैं ये अपने दिल से मानती हूं कि आपकी समस्या सच में आपकी समस्या नहीं है। हाँ, मुझे लगता है हमें यहां एक मिनट तक रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने आपको चम्मच भर सब्जियां देने की कोशिश की और आप इसे खाते नहीं हैं। आपकी समस्या सच में आपकी समस्या नहीं है। मेरा मतलब, मैं आपको सच बता रही हूं, आपकी समस्या नहीं है। उस समस्या के प्रति आपका स्वभाव, वो आपकी समस्या है। अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको पता है हम चीजों को ठीक से देखते नहीं है, और हम ये सोचने लगते हैं, हम हमारे जीवन में इस चीज पर नजर डालते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और हम बस उसी पर नजर डालते हैं जब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है जितना कि उसे होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाती हूं जो ये बात बताती है, एक सही नजर रखना। प्रियमा और पापा, जब से मैं कॉलेज गई हूं मैंने लिखा नहीं है, मेरे इस बेपरवाही के लिए माफी चाहती हूं, मैंने अब से पहले लिखा नहीं था। तो इस चिट्ठी में मैं आपको सब बता दूंगी, पर इसे पढ़ने से पहले प्लीज बैठ जाइए। क्या आप बैठ गए? बिना बैठे हुए प्लीज इसे मत पढ़ना। हाँ, मैं ठीक हूं, जो सिर में फ्रैक्चर और मोच हुई थी जब मैं डॉर्मेट्री की खिड़की से कूदी थी, जब उसमें आग लगी थी, यहां आने के थोड़े दिनों बाद उसी तरह ठीक हो गई हूं। मुझे बस दिन में एक बार सिर में दर्द होता है। अच्छा था कि मेरे कमरे की आग और मेरा कूदना पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने देख लिया था। वो भाग कर आया, मुझे अस्पताल ले गया, मुझे वहां मिलते रहा। जब मैं अस्पताल से बाहर आई, मुझे जले हुए कमरे की वजह से मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सो उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया अपने कमरे में, बेडरूम अपार्टमेंट में। ये छोटा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं। हमने तारीख नहीं सोची है, पर ये मेरी गर्भवती दिखने से पहले ही होगा। हाँ मम्मी और पापा, मैं गर्भवती हूं। मैं जानती हूं कि आप नाना नानी बनने के लिए कितने उत्सुक हैं, और मुझे पता है कि आप बच्चे को अच्छे से स्वीकार करेंगे जैसे आपने मुझे किया था। हमारी शादी में देरी की वजह यह है कि हमारे बॉयफ्रेंड को एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया है जो मुझे उससे लग गया है।
मुझे पता है कि आप पूरी तरह से हमारे परिवार में उसका स्वागत करेंगे। वैसे भी वो दयालु है, पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है। वो हमारी जात और धर्म से अलग होते हुए भी मुझे पता है आपने धीरज दिखाया है और इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में मम्मी और पापा, अब जबकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कमरे में आग नहीं लगी थी, मुझे कोई मोच या कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मैं अस्पताल में नहीं थी, मैं गर्भवती नहीं हूँ, मुझे इन्फेक्शन नहीं है, मेरे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ पर मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो गई हूँ। और मैं चाहती थी कि आप सही नजर रखें। आप सोचते होंगे कि वो माँ बाप कितने खुश हुए होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो स्कूल में फेल हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और अगर उसने फोन करके सिर्फ कहा होता कि मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो रही, तो उन्हें शायद गुस्सा आ जाता और वो चिल्लाते, उसे डांटते, उसे बहुत फटकारते। शायद आज आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए अपनी समस्या को देखने के लिए सही नजरिए से, कि दुनिया में क्या चल रहा है और लोग किस तरह की चीजों के साथ जूझ रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी, आपकी समस्या सच में आपकी समस्या नहीं है। उस समस्या की तरफ जो आपका स्वभाव है, वो आपकी समस्या है। देखो, स्वभाव के बारे में बढ़िया बात यह है कि वो तुम्हारा स्वभाव है और आप उसे बदल सकते हो। उसे बदलने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप बस अपना स्वभाव बदल सकते हो। विक्टर फ्रैंकल, जब वह कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था जर्मनी में, कहा था वो आखिरी आजादी जो कोई छीन सकता है वो है अपना स्वभाव चुनना, किसी भी परिस्थिति में। एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी उसने सोचा, मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं ले सकते। तुम मेरा खाना ले सकते हो, मेरे कपड़े ले सकते हो, तुम मेरा बिस्तर ले सकते हो, तुम मुझे अकेला रख सकते हो, तुम मुझे कड़ा परिश्रम करने के लिए कह सकते हो, पर मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं ले सकते हो। मेरा स्वभाव अच्छा है और तुम्हें वो मिलने वाला नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना कि आपका स्वभाव अनुकूल होने वाला है। हर कोई खुश होना चाहता है और अचंभे की बात है कि बाइबल बार बार कहती है, और मुझे ये आप ज्यादा पसंद तो नहीं है, पर वो हर बार कहती है जब हमारी मुश्किलें और समस्याएं होती हैं, खुश रहने के लिए। यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा है, इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं होंगी, ये एक वादा है, और फिर जो अगली बात कही वो है खुश रहो। धन्यवाद। खुश रहो, क्यों? क्योंकि समस्या होने के बावजूद भी आपके पास मैं हूं। इस दुनिया में तुम्हारी समस्याएं होंगी, पर तुम खुश रह सकते हो, क्योंकि यीशु ने कहा मैं दुनिया में आगे आ चुका हूं। हमें हमारी समस्याओं से परेशान होना बंद करना होगा और बस खुश रहो, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर हैं। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, हाँ, और ये एक अच्छी बड़ी समस्या है, हाँ, हमें बस परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, और ये मुझे गलत तरीके से पता चला। और मैंने सोचा, तुम्हें पता है क्या, मैं ये कहकर थक गई हूं, मैं लोगों को ये कहते थक गई हूं, हमें बस परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करके मिलता है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, ये एक सम्मान है। एक परमेश्वर का होना जो वफादार है, जो हम जानते हैं हमसे प्रेम करता है, उनके पास सारी शक्ति है, सारा ज्ञान और सारी जानकारी, जो हर समय हर जगह है, एक पल के लिए भी हम पर से नजर नहीं हटाते हैं। हमारे समस्याएं हैं, पर हमारे पास परमेश्वर है। नास्तिक की, अविश्वासियों की समस्याएं होती हैं, और बहुत समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं और बहुत समस्या, और कोई उम्मीद नहीं और कोई हल नहीं। वो अपना सारा जीवन बिता देंगे शराबों के पीछे दौड़कर, और फिर उन्हें ये निराशा मिलती है कि हाँ, मुझे तो ये नहीं सोचना चाहिए था, मैं ये नहीं बनने वाली थी। आखिर याकूब 1 मैं इसे देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही।
देखो, आपको विश्वास करना होगा, समस्या होने के बावजूद भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि अगर आपको विश्वास न हो आप कभी नहीं होगे। हाँ जॉयस, पर मुझे लगता है यही तो समस्या है। पर मुझे लगता है, और मैं सोचती हूं, मैं आज बात नहीं करना चाहती हूं जो तुम्हें लगता है और जो तुम सोचते हो उसके बारे में। वचन क्या कहता है, हमें थोड़ी गहराई में जाना होगा। हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते की। हमें जरूरत है आगे जाने की। सोचो और एहसास करो जो हम जानते हैं हमारे हृदय की गहराई में। मुझे पता है कि परमेश्वर वफादार है। मैंने देखा है उन्हें बार 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 बहुत बार वफादार होते हुए। हर कोई अभी ये सोचता है अमेरिका के डेब्ट सीलिंग के बारे में, और क्यों होगी कि कुछ पास नहीं होगा, और क्या होने वाला है बैंकों में, और क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में। और आपको पता है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें समझदारी का इस्तेमाल करना नहीं है, पर पता है क्या, परमेश्वर की एक योजना है और मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और शायद मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, पर ये एक अच्छी योजना होगी। और परमेश्वर फिर भी हमारा ध्यान रखेंगे किसी न किसी तरीके से, अगर हम वो करें जो वो चाहते हैं कि हम करें उनके जरिए। वचन 2 याकूब 1:2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरी तरह से, पूर्णता से, बिल्कुल खुश। जब आपको कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं, देखा, तालियां बंद हो गई हैं, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, मुझे पता चला कि वो मेरे अंदर से बहुत चीजें बाहर निकाल लाए धीरज और धैर्य तक पहुंचने से पहले, और फिर पर देखो, इसलिए ये हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे जीवन के वो मुश्किल पल होते हैं जब हमें अनुभव मिलता है और हमें वो सामान मिलता है उन चीजों के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं हम भविष्य में इस्तेमाल करें। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हो, आप कह सकते हो, परमेश्वर मुझे ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, पर मैं फिर भी खुश रहने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, मुझे इससे कुछ हासिल करना है। तो शुरुआत करनी ही होगी ऐसे स्वभाव से। मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं परमेश्वर से जोर से वो चीजें कहने के लिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये कहना कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द होता है परमेश्वर, और मैं सच में चाहूंगी अपने आप में कि मैं यहां पर न रहूं, पर मुझे पता है कि आपकी एक योजना है, और मुझे पता है आप मेरे अंदर कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्या मैं आपसे इसकी शुरुआत कर सकती हूं? कुछ जोर से कह दो। और जब आप ये करते हो, जब आप जोर से बात करते हो जिस तरह वचन के मुताबिक परमेश्वर चाहते हैं, यह आपकी भावनाओं को बदल देगा और आपकी सोच को भी बदल देगा। या आप वहां बैठकर अपनी भावनाओं के साथ जा सकते हो, और जो आप सोचते हो, 1 पत्रस 3, यदि तुम धर्म के कारण, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ उनके विरोध से। अगर आप सही चीज करते हो और उनके लिए तकलीफ उठाते हो, अब आपको मैं कुछ बताना चाहती हूं कि ऐसे वक्त में मेरा सिर तो बस इस तरह से होने लगता है, जब कुछ खराब होता है तो मुड़ 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 मुड़, इसमें कुछ गलत है, इसमें कुछ गलत है। अगर मैं सही चीज करूं तो मुझे सही परिणाम मिलना चाहिए, अगर मैं सही चीज ना करूं तो मुझे आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, वो कह रहा है तुम्हें आशीष मिली है, पर तुम्हें एक गहरे स्तर की आशीष मिली है। मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी चीज वो हमारे जीवन में हो सकती है, मैंने डेव से पिछले हफ्ते एक सुबह कहा, मैंने कहा सबसे अच्छी चीज जो परमेश्वर हमें सिखा सकते हैं वो है किस तरह खुश रहना जब चीजें वैसी नहीं होती। आपको पता है कि आप अपने स्वभाव के अनुकूल हो सकते हो। अगर मेरा स्वभाव वो नहीं है जो होना चाहिए, हम बदलने का निर्णय ले सकते हैं और हमारे स्वभाव को परमेश्वर की चाह के अधीन ला सकते हैं। और जब हम ये करते हैं, हमें आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन में
क्या हो सकता है। हम आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे अच्छा काम चाहते हैं, वो आपको आशीष दे और आपका जीवन सफल हो। आज का दिन शुभ हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए